दुबई सीरीज की इस तीसरी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर दुबई कितना महंगा है, और हम पास के एक सुपरमार्केट में जाएंगे और एक ब्रीफ आइडिया लेंगे कि आखिर डेली यूज की चीजें कितनी महंगी है। तो बढ़िया मसाज के बाद अब जा रहे हैं सुपरमार्केट और देखते हैं कि यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें जो इंडिया में मिलती है वो यहाँ पर किस प्राइस में है, तो ये चीज़ चेक करते हैं। और उसके अलावा सुबह से बहुत रुपए खर्च हो गए, 1400 रुपये तो टैक्सी के लगे ही लगे, फिर खैर सुबह ब्रेकफास्ट का 13 दिरहम्स लगा, तो एक दिरहम लगभग 20 रुपये मान के 260 रुपये पड़ा। वो तो ठीक था, खैर सुबह का ब्रेकफास्ट मिल गया, मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी एक्चुअली। फिर अब मैं जा रहा हूँ देखने की कितना महंगा है दुबई में, अगर मान लीजिए बेसिक चीज़ें खरीदें तो। और बाय द वे अभी मेरा होटल की बुकिंग जो है वो 2 बजे से है, तो इसलिए मुझे वेट करना पड़ा, तो तब तक मैं एक वीडियो ये बना ही देता हूँ। और मेरा होटल जो था वो पड़ा लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये लग रहा है 2 दिन का, इंक्लूडिंग टैक्स और सब कुछ मिला के। तो चलते हैं, सामने एक सुपर मार्केट दिख रहा है, वहीं चलते हैं, मास्क लगा लेते हैं। ये हल्का वाला मास्क लगा लिया, तब से कल से वो मोटा वाला मास्क लगा के हालत ख़राब हुई थी। वैसे यहाँ पर मैंने देखा कि रोड पे सब कोई मास्क लगा के चल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। चलो, और सुपरमार्केट में जितने भी प्राइस मैंने बताए उसको अगर आप इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उस दिरहम को 20 से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा मिल जाएगा कि वो कितने रुपये का पड़ेगा। कैमरा, ये कैमरा व्लॉगिंग कर रहे हैं ना इसलिए व्लॉगिंग। तो ये है केबल हाई स्पीड, इधर कुछ टूल्स मिल रहा है ये, और ये सॉकेट, मुझे लगता है ये सॉकेट की जरूरत पड़ेगी। ये कितने का पड़ेगा मुझे, 15 dirhams का ये। बाकी ये कोलगेट और ये सब देखते हैं कितने का पड़ रहा है। ऐसे मैं अपना शायद लाना भूल गया हूँ तो शायद लेना पड़े, ये देखता हूँ। ये है 3.5 dirhams का, और ये बड़ा वाला है 6 dirhams। डेटॉल 27 dirhams, 500 ml हो गया 16.5 dirhams का। ये चिप्स और ये सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर, कॉर्न क्रंच 3 dirhams, यानी कि 60 रुपये का एक चिप्स। यार महंगा तो है सब कुछ इधर, काफ़ी कुछ महंगा है। अब जैसे ये हेड एंड शोल्डर है, ये 10 dirhams का, यानी कि 200 का बॉटल। ये तो ना इतना तो ठीक है, खैर ये छोटा वाला ये 10 रुपये का है। ये लेना है चोको पॉप्स केलॉग्स का, तो 420 रुपये। और ये ड्राई फ्रूट्स इधर मिल रहा है 7 dirhams, 9 dirhams का। ये जो छोटा वाला लेस होता है हम लोग के यहाँ 20 रुपये का, ये मिल रहा है 2.25, यानी कि 50 के आसपास, 45-50 रुपये का। ये बड़ा वाला मिल रहा है कितना, 150 रुपये का मिल रहा है। बाप रे, प्रिंगल्स देखते हैं 8, जो भी हो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी हो इतना भी दिरहम से उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। ये रू अफ़ज़ा मिल रहा है यहाँ पर भाई, एक किंडर जो है 100 रुपये का। वाह, ये तो सबसे घटिया होता है चूना लगाने वाला चीज। ये है मार्शमेलोस 15 dirhams का। इस तरह के मैगी के मैं लेकर आया हूँ 50 rupees का, और यहाँ पड़ रहा है 3.5 dirhams, यानी कि 75 rupees के आसपास। ये आ गया मैगी का सूप 3.5, 4.5, 4 dirhams ऐसे करके। ये रही यहाँ पर कुछ आइसक्रीम्स बढ़िया सी। वैसे मैं सोच रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है, थोड़ा गला ख़राब है लेकिन फिर भी बहुत मन कर रहा है खाने का आइसक्रीम, एक लेते हैं संडे। ये पानी की बॉटल कितने की है वाला?
6 dirhams per bottle. इसका 4.5 ऑफर है जी, ऑफर है. अच्छा ये पूरा पूरा मिलेगा पूरा? हाँ पूरा. अच्छा अच्छा. कई बार क्या होता है कि होटल में पानी नहीं मिलता इसलिए खरीदना पड़ जाता है. और यहाँ पर अभी कुछ सब्जियाँ, कितने बड़े आलू हैं यार ये, 3.5 दिरहम्स पर केजी. और ये है करेला 11 AD. टमाटर भी देख लेते हैं 4.5 पर केजी. बैंगन महंगा है, बैंगन है 8.5. कुकुम्बर 6. अनियन देखते हैं, अनियन 3.5 AD. इतना वाटरमेलन है 4.6. और ये मिल रहा है श्रिम्स पर केजी 21.95 दिरहम्स. यहाँ पर मिल रहा है बीफ. केले मिल रहे हैं 4 दिरहम्स पर केजी. संतरे मिल रहे हैं 11 दिरहम्स पर केजी. ये है ऑफर में 10 था, अभी 7.75 हो गया 1.5 लीटर का. ये नूडल्स अगर लेना हो तो वो तो मैंने दिखा दिया. तो बस इसमें इतना ही, ये छोटा सा सुपरमार्केट था इसमें मैंने दिखा दिया. तो ऑब्वियसली इंडिया से बहुत महंगा है लेकिन ठीक है, इनकम भी तो ज़्यादा ही लोगों की. अब मैं चलता हूँ, एक परचेज करता हूँ आइसक्रीम अपने लिए. ब्राउनी संडे लेते हैं या संडे कप लेते हैं, कुल्फी फज ब्राउनी संडे लेते हैं. हाँ ठीक. चलो चलो चलो. ये कितने का है? 775. ठीक है, ये लगभग 150 के आसपास. तो वहाँ पर वीडियो शूट करते हुए लोग इतना घूर रहे थे और उनको सब पता, वो सोचते थे क्या जो ये कर रहा है. तो मैंने बताया कि भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए. खैर लेकिन हर कोई थोड़ा देख रहा था अजीब सी नज़र से, तो इसीलिए मैं थोड़ा धीमे धीमे ही बोल रहा था, ज़्यादा तेज बोला नहीं. और यहाँ से ले लिया एक ब्राउनी संडे, काफ़ी खाने का मन कर रहा था कुछ मीठा तो ले लिया. ये पड़ा है 150 रुपये का. चलते हैं अपने होटल, फिर से चलते हैं, 12 बज गए हैं. चेक इन का टाइम है 2 बजे का, 2 घंटे और बिताने हैं इससे पहले कि हमें रूम मिल सके और मैं सो सकूं. और यहाँ एक प्रॉब्लम हो रहा है कि जो वाईफाई आ रहा है उसमें वीडियो कॉल किसी भी ऐप से और वॉइस कॉल हो नहीं रहा है. तो मुझे शायद यहाँ का एक सिम लेना ही पड़ेगा. मैं सोचा था कि चला लूँ काम अपना होटल के वाईफाई से, क्योंकि उतना ज़रूरत है नहीं, लेकिन अब लग रहा कि ज़रूरत है. अभी इसी आगे वाली रोड पर जाते वक्त पीछे बुर्ज खलीफा भी दिखा था, काफ़ी दूर से था, ब्लरी था लेकिन दिखा. चलेंगे उसमें भी चलेंगे, पहले ये कोविड की एक निगेटिव रिपोर्ट आ जाए. तो आपको इस वीडियो को देख के आइडिया लग गया होगा कि कितना महंगा है दुबई में रहना, खाना पीना और बेसिक चीज़ें खरीदना. तो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर देना, और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो भाई. और सब्सक्राइब ज़रूर करना भले पसंद आए ना आए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी. तब तक के लिए बाय बाय.